आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। महाराष्ट्रीयन समाज की ओर से महालक्ष्मी का 3 दिवसीय पर्व रविवार से शुरू हुआ। माता लक्ष्मी अपने परिवार के साथ घर में आए। घरों में सुख संपन्नता और सदैव लक्ष्मी का वास हो, कुछ ऐसी ही मनोकामना के साथ महालक्ष्मी उत्सव प्रारंभ हुआ। मराठा समाज में महालक्ष्मी विराजित करने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। महालक्ष्मी की प्रतिमा ज्येष्ठा व कनिष्ठा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। महालक्ष्मी की पूजा फुलहरा बांध कर की जाती है। घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं। यह पूजा विशेषकर घर की बहुओं द्वारा की जाती है। महिलाएं साथ में मिलकर ढोलक मंजीरों के साथ भजन कीर्तन गाती हैं। इंदौर के रामनगर में कुंजीर परिवार में महालक्ष्मी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर घर को पूरी तरह शुद्ध कर आकर्षक विद्युत सज्जा पुष्प सज्जा कर सजाया गया है और 3 दिनों तक विविध पूजन अर्चन का क्रम चलता है। इस वर्ष रविवार 12 सितंबर को महालक्ष्मी के आगमन के साथ प्रारंभ हुआ यह पर्व 14 सितंबर मंगलवार को महालक्ष्मी की विदाई के साथ पूर्ण होगा। आज दूसरे दिन सोमवार को महाराष्ट्रीयन परिवारों में पूरण पोली पातल भाजी के साथ 56 भोग लगाया गया। 56 भोगों में पूरण पोली सेवैया चावल के खीर पातल भाजी तिल्ली खोपरा खसखस तथा मूंगफली के दानों की चटनी लड्डू करंजी मोदक कुल्लई पापड़ अरबी के पत्तों की भाजी 16 सब्जियों को एक साथ मिलाकर 56 भोग तैयार किए गए। निहारिका कुंजीर शिल्पा कुंजीर एवं हर्षा कुंजीर ने बताया कि महाराष्ट्रीयन समाज में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से महालक्ष्मी उत्सव को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी के जिस रूप की पूजा होती है वो जेठानी व देवरानी है। अपने 2 बच्चों के साथ वो इन दिनों मायके आती हैं। मायके में आने पर 3 दिनों तक उनका भव्य स्वागत किया जाता है। पहले दिन स्थापना, दूसरे दिन 56 भोग और तीसरे दिन हल्दी कुमकुम के साथ माता की विदाई की जाती है। आज 56 भोग एवं महाआरती के अवसर पर मुख्य रूप से क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष एवं मराठा प्रहार अखबार एवं न्यूज चैनल के संपादक चंद्रकांत कुंजीर चंदू भैया निहारिका कुंजीर ललित कुंजीर शिल्पा कुंजीर सोनू कुंजीर कमल कुंजीर हर्षा कुंजीर करण कुंजीर जयश्री कुंजीर उषा कुंजीर कविता गोरे दिलीप बब्बन एवं सुभाष भाई सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। बहुत मेन पर्व होता है, इसको 3 दिन का महाउत्सव के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहले दिन जैसे अपने गणपति जी बैठते हैं, उसके दूसरे दिन उनके अपनी बहनों को लेने जाते हैं और दूसरे दिन लेकर आते हैं। 5 सहागनों को बुला के उन दोनों बहनों का स्वागत सत्कार किया जाता है। हल्दी कुमकुम लगा के 5 लोटे रख के उनको अंदर प्रवेश लिया जाता है। उस दिन उनको एक विशेष प्रकार का भोग लिया जाता है, जिसमें दाल चावल सुआ और तल की रोटी का भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन उनको 56 भोग का भोग लगाया जाता है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे हमारे यहाँ जो लगा है। और तीसरे दिन उनको एक दूध भात का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से 3 दिन का उनका विशेष भोग होता है, जो सभी परिवारों में सभी समाज में
तो नहीं, पर महालक्ष्मी पर्व में एक ही प्रकार का भोजन सभी दूर लगाया जाता है और उनको सभी लोगों को, आपके जितने भी परिवार सबको बुलाया जाता है, वो लोग मिलने आते हैं, सबका खाना यही होता है, सबका भोजन यही होता है और बहुत ही हर्षोल्लास से उनकी विदाई दी जाती है। उसमें एक डोरे लेने का भी प्रोग्राम किया जाता है, उसमें भी पांच सुहागने मिलके एक एक चीज़ें, फूल, हल्दी, कंकू, खारक, सुपारी, इन सबों को एक डोरे में बांध के एक आशीर्वाद के रूप से देती है और इसी प्रकार महालक्ष्मी की कृपा सब पे बनी रहती है। और हर साल ये हमारे बहुत प्राचीन से आ रहा है ये पर्व, हम सभी लोग एक ही परिवार की तरह बनाते हैं, खुशी से उनका स्वागत करते हैं और सभी ये जो इतने व्यंजन आप देख रहे हैं सब घर में ही बनाए जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कल विदाई है, तो किस तरह से उसकी भी तैयारी है? विदाई की तैयारियों के लिए दूसरे दिन उनको पहले सुबह नाश्ते के तौर पे चाय का भोग लगाया जाता है, उसके बाद उनको दूध भात या सिमैया का भोग लगाया जाता है और फिर सभी लोग जो आते हैं मिलने के लिए, पांच सुहागने, पांच सा जितने भी लोग मिलने के लिए आते हैं, वो सब एक सफ़ेद कलर के धागे में अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए वो धागे लिए जाते हैं, दोनों लक्ष्मियों के पांच पांच धागे लिए जाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उन्हें मांगते हैं कि माता आगे भी हमारे सुख समृद्धि ऐसे ही बनी रहे, सब खुशहाली रहे, परिवार एक रहे, सब निरोगी हो। जैसा कि हम देख रहे हैं लक्ष्मी जी की दो प्रतिमाएं, तो क्या किस स्वरूप में रहती हैं? हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं एक का नाम इसमें ज्येष्ठा है और एक का कनिष्ठा है, ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें आती हैं तीन दिन के लिए और इन्हें सभी प्रकार का जितनी हमसे सेवा होती है वो सब की जाती है और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जिस तरह से अपन एक लड़की की विदाई करते हैं उस तरह से इनकी विदाई होती है तीसरे दिन, लेकिन पहले दिन जब आते हैं तो बड़े उत्साह और हल्लास से मतलब उनको घर में लिया जाता है, जिसमें पांच सवासनी घर में आती हैं, मतलब पांच औरतों को बुलाया जाता है, हल्दी कुमकुम किया जाता है और गेहूँ चावल जिस तरह अपन प्रवेश करते हैं, विदाई देते हैं, उस तरह से उनका प्रवेश किया जाता है और उनके लिए छप्पन भोग, दूसरे दिन उनके लिए छप्पन भोग लगाए जाते हैं। छप्पन भोग में आप देख ही रहे कि हमने क्या क्या लगाया है, उस हिसाब से जिसकी जो मतलब स्थिति होती है उस हिसाब से वो अपनी सेवा के हिसाब से भाव करता है, वो चीज़ें लगाते हैं। और कहने वाली बात है कि हम शाम को उनको, जैसे आज दूसरे दिन है तो उनकी जो विदाई है अच्छी तरह से छप्पन भोग लगा के शाम को उनको पूरन पोड़ी, आमटी, चावल, दाल, रोटी, मतलब जो अपने को लगता है उस टाइप की जो अपन उनको सेवा कर सकते हैं वो चीज़ें लगाते हैं।